अच्छा जी। फिर तीर मेरे फिर माता रानी के अंदर तीन हथ मारी भगवान परशुराम मेले पर तपस्या करी अच्छा जी। फिर पलाना युद्ध होया नहीं हो जाएगा फिर क्या सिर जाएगा मैं रणका की ब्याह में मनका की छोरी का ब्याह था अच्छा जी। मैं जिद्दी लगी कर माता जिले में भी ब्याह में जाऊँगी बोले मम वीर आदमी राजा महाराज नहीं पता मुकाबला जी मैं जाऊँगी वीर आदमी तेरी हाथ हो जाना जी जी जिद्दी आदेश दे दिया कि उसकी माता रानी को मार दें लेकिन किसी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन न करते हुए तो लास्ट में जो भगवान परशुराम ने अपने पिताजी का पालन आज्ञा पालन करते हुए उन्होंने अपनी माता रानी देवी को मार दिया। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पहुँचे 48 कोस के कुरुक्षेत्र के 48 कोस की भूमि के अंदर जो तीर्थ आते हैं उन्हीं तीर्थों में से एक है जो जमदग्नि ऋषि का कुंड है जलमाणा गांव करनाल के अंदर। हम उस तीर्थ या उस कुंड पर पहुंचे हैं। इस कुंड की बहुत सी मान्यताएं हैं। अगर जमदग्नि ऋषि की बात की जाए तो वो परशुराम के पिताजी थे या हैं। ऐसे यहाँ पर उनकी बहुत सी मान्यताएं हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर भी उसकी जमदग्नि ऋषि के कुंड जलमाणा के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आप ये देख सकते हैं। जलमाणा ग्राम स्थित इस तीर्थ का संबंध महर्षि परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि से है। तीर्थ पर स्थित सरोवर जमदग्नि कुंड कहलाता है। जनश्रुति के अनुसार यह स्थल महर्षि जमदग्नि ऋषि का आश्रम है जहाँ वह अपनी पत्नी रेणुका एवं अपने पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनके पुत्र परशुराम पिता के परम भक्त थे जिन्होंने अपने एक बार पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका को मार दिया था। पिता के वरदान पाकर पुनः उसकी माता जीवित हो उठी थी। कहा जाता है कि परशुराम ने अन्यायी श्रुतियों के विरुद्ध अपना संघर्ष यहीं से शुरू किया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसका संबंध जो जमदग्नि ऋषि से माना जाता है। यहाँ पर एक कुंड है हम आपको कुंड भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ ये और भी कुछ इस कुंड से संबंधित मान्यता है हम आपको वो दिखेंगे। चलिए तो आपको लेकर चलते हैं अंदर की और आपको दिखाते हैं जमदग्नि ऋषि का कुंड। समय में जमदग्नि ऋषि ने यहाँ पर तप भी किया था। आप हमारे सामने वो जो यहाँ पर जाल लगा हुआ आप ये देख रहे हैं गांव वालों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि इसी स्थल पर जो जमदग्नि ऋषि ने किसी समय में यहाँ पर तप किया था। तप भूमि ये जलमाणा गांव जमदग्नि ऋषि के नाम से इस गांव का नाम जलमाणा पड़ा है। तप भूमि ये जमदग्नि ऋषि कहलाई जाती है। अगर उस स्थल की बात की जाए जहाँ पर जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की थी आज के समय में वहाँ पर थोड़े पेड़ पौधे उग चुके हैं लेकिन आज भी ये वही स्थान है जहाँ पर जमदग्नि ऋषि ने तप किया था। कच्ची जगह आप बोल सकते हैं वहाँ पर निशान के रूप में गांव वालों ने उसके यहाँ पर छोड़ा हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर गाँव वालों ने वहाँ पर जो जाल लगा दिया गया है। आप ये देख सकते हैं जमदग्नि ऋषि का कुंड। यहाँ पर जो सरोवर के अंदर पानी थोड़ा कम है लेकिन सफाई काफ़ी यहाँ पर अच्छी है जमदग्नि ऋषि के कुंड जलमाणा के अंदर। ऐसे भी बताया जाता है कि परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि ऋषि जी यहाँ पर यहीं पर जो माता रेणुका की देवी वाली घटना घटित है। ऐसा बताया जाता है कि जो परशुराम थे वो सबसे बड़े पितर भक्त थे। जो परशुराम ने किसी बात को लेकर वो क्रोधित हो गए थे और उन्होंने परशुराम को अपने पुत्रों को आप बोल सकते हैं जो परशुराम थे वो सबसे छोटे जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने सभी पुत्रों को आदेश दे दिया कि वो उसकी माता रेणुका को मार दें लेकिन किसी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन न करते हुए तो लास्ट में जो भगवान परशुराम ने अपने पिताजी का पालन आज्ञा पालन करते हुए उन्होंने अपनी माता रेणुका देवी को मार दिया था। और बाद में उनसे एक वचन भी लिया था कि आप परशुराम उनसे सॉरी जमदग्नि ऋषि जो परशुराम से इस बात को लेकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कोई वरदान है तो भगवान परशुराम ने तो वरदान के रूप में मांगा कि आप मेरी माता जो रेणुका देवी आप इसे पुनर्जीवित कर दें और आप इसे जो ये वाक्या ये घटना हुई है ये घटना भी ये माता रेणुका जो ये भूल जाए तो वो घटना यहीं पर घटी थी गाँव वालों द्वारा ऐसा जाता है। वाकई देख सकते हैं जमदग्नि ऋषि का कुंड और काफ़ी सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर ऊपर मंदिर भी है आप ये देख सकते हैं मंदिर का व्यू तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर ये बनाया गया है। यहाँ पर जो जमदग्नि ऋषि की यहाँ पर मूर्ति भी स्थापित की गई है हम वो मूर्ति भी आपको पहले हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे ग्रामीण एरिया में हमारे को कवर करने के लिए आए। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि संपत ऋषि में से जो एक ऋषि हुए जमदग्नि ऋषि जी उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है और उनका ये कुंड है यहाँ पे स्थापित हुआ है जो बहुत दूर दूर से यहाँ पे संगत आती है और भादो से भी दूर को बाबा जी का जो बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है और बहुत दूर दूर से जो संगत यहाँ से गई हुई है बहुत दूर दूर से
मुंडे हर आदमी हर प्रकार का हर जाति से संबंधित आदमी यहाँ पर भंडारा में आता है और साल में कम से कम 2-3-4 दफ़ा भंडारा लगता है और आदोशी दूज को मेन भंडारा होता है, बड़ा भंडारा जो बाबा जी का होता है जी। गाँव का नाम जलमाना जन्मभूमि ऋषि से ही पड़ा है, मान्यता तो ऐसी है जो बुजुर्ग बता रहे हैं। देखो जी जाने में कन्फर्म जी, मतलब मान्यता ये है कि जलमाना जी गाँव है नाम जो है जन्मभूमि ऋषि के नाम से पड़ा। आप हमें यहाँ पर जन्मभूमि ऋषि की मूर्ति स्थापित की है वो दिखाइए आप। बनाया गया है काफी खूबसूरत मंदिर ये बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर जो मूर्ति जमदग्नि ऋषि की आप बोल सकते हैं परशुराम के पिता, इसके साथ आप ऐसा बोल सकते हैं जो महर्षि चौंद ऋषि थे उसके पड़पुत्र जो महर्षि जमदग्नि हुए हैं, ये उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं काफी छोटी मूर्ति लेकिन काफी खूबसूरत मूर्ति है लगाई गई है स्थापित की गई है, देख सकते हैं काफी सुंदर मंदिर का वालों द्वारा बनाया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर कई और मंदिर बनाए गए। अच्छा जी, तो ये अच्छा जी, तो मतलब कुछ और बातें बताइए जो आप इस मंदिर के बारे में जमदग्नि ऋषि के बारे में जानते हो। अरे बड़े कैसी मंदिर है, बहुत पुराना, पहले दुर्वाणा पर ना बसा करता है। अच्छा जी, फिर बाबा और ऋषि महाराज ले आए हैं, मतलब तब यहाँ पर किया है तपस्या करी है यही परशुराम की गाय तो था यहाँ पर सिटी बाबा की ऋषि महाराज जी दी गाय यहीं पे काम देने वाली घटना यहाँ पे। क्या कुछ हुआ था आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए। भाई बताऊँगा रणका मन का दोनों कौन आई। अच्छा जी, ये कड़ी ब्याह में रणका की ब्याह में मनका की छोड़ के ब्याह था। अच्छा जी, मुझे जिद्दी लगी कर माता जिले में भी ब्याह में जाऊँगी बोले मामीर आदमी राधे महाराज नहीं पकड़ मुकाबला जी मैं जाऊँगी तू वीर है तेरी हाथ हो जाना जी जी लेकिन जी संपूर्ण राजा को ब्याह महाराज मिलता उसको वो बोली मैं अपने महाराज को पीछे हाँ जी मेरे आने के सब ऋषि को पीछे महाराज ने निंदा करता है लेकिन नंदा जनानी तो बाबा तो करता किसकी शर्म किया बाबा ने घर ले दिया गएगी। अच्छा जी, फिर मेरे फिर माता रानी के अंदर तीन तो अच्छा मारी भगवान परशुराम मेले करते हो तपस्या करी करना। अच्छा जी, फिर पलाना युद्ध होया नहीं हो जाएगा फिर क्या सिर जाएगा जाएगा दिन से बुरा जो छतरी मतलब धरती पर रहने दे तो बैठ गया तो रहने दे दिए नहीं तो तुम पास जी बिल्कुल साफ कर दिए उसके बाद देख सकते हैं आप कितने चमत्कार कितने महान कार्य जमदग्नि ऋषि द्वारा किए गए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।